टू द केमिस्ट्री क्लासेस और इससे लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, रेट ऑफ द रिएक्शंस क्या होता है, उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ठीक है ना। आज के जो इस टॉपिक में, आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, रेट लॉ को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। अगर हमारे पास रिएक्शन दे रखी है उसमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स भी दे रखे हैं तो जो रेट लॉ है वो क्या होता है, ठीक है ना। दूसरा हम पढ़ेंगे गुलबर्ग एंड वागे ने क्या दिया था, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है ना, ये आपने क्लास में पढ़ा होगा। और हम क्या पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना। तो पहले हमें क्या पढ़ना होता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन, या कहते हैं इसको लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है ना। तो ये जो लॉ था ये किसने दिया था, तो गिवन बाय, तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या डिपेंड करता है, लॉ ऑफ मास एक्शन। अब देखिए हम पढ़ते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट लॉ, तो गिवन बाय द, दिस लॉ वाज गिवन बाय द गुलबर्ग एंड वागे इन 1867, ठीक है। इस लॉ की एक लिमिटेशंस है कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल, दिस लॉ इज ओनली थ्योरेटिकल, एक थ्योरेटिकल लॉ है, प्रैक्टिकल लॉ नहीं है ये। दूसरा, इट इज एप्लीकेबल फॉर द, जिसकी खास बात है, एप्लीकेबल फॉर द सिंगल स्टेप रिएक्शन, तो जो रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में होती है ये वहां पर क्या एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वहां पे हमें देखना होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो वो थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि ये जो सिंगल स्टेप में जो रिएक्शन होती है उनके लिए है। तो अगर हम कह रहे हैं हमारे पास कुछ जनरल रिएक्शन है कि ए और ए, ये कैसे कोएफिशिएंट्स है, प्लस बी और बी, और यहाँ पे क्या बनता है हमारे पास सी, और यहाँ पे क्या बनना है, ये सी, क्या बनना है सी, तो इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज द प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, प्रोडक्ट आपका कुछ भी हो तो जो लॉ है ये इंडिपेंडेंट है आपके प्रोडक्ट पर। जैसे वहां पे क्या था, आपने अमोनिया को निकाला था N2O5 के बिहाव पर N2 बना सकते हैं, तो यहाँ पे क्या है, जो रेट लॉ है वो कहता है कि जो हमारे पास रेट ऑफ द लॉ है या किसी का जो रेट है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेस टू द पावर, रेस टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। इसका मतलब क्या है, जो इसका रेट है वो क्या हो जाएगा, ए की कंसंट्रेशन रेस टू द पावर, इसकी जो कोएफिशिएंट्स है वो कितना है, ए है, और यहाँ पे क्या है, अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स है तो उसको भी आप कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी। तो रेट ऑफ द रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स पावर में और रिएक्टेंट। अगर हमारे पास रिएक्टेंट ए की होता तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे बी नहीं होता, क्या होता, ए, ए की पावर ए, ठीक है। तो जब इसको हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ए कॉन्स्टेंट आएगा, उसको हम बोलते हैं रेट कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए और ए, और ए क्या बन जाएगा, बी। तो यहाँ पे के क्या है, तो के को हम बोलते हैं वैसे तो प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट है, बाकी हम इसको क्या बोलेंगे, रेट कॉन्स्टेंट। तो ये चीज क्या है आपके पास, रेट कॉन्स्टेंट। अब देखो जो रेट कॉन्स्टेंट है वो क्या होता है, हर रिएक्शंस का अलग अलग हो सकता है, मीन्स अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स एक से ज्यादा है रेट कांस्टेंट अलग आएगा, अगर एक है तो भी रेट कांस्टेंट क्या आता है, अलग आता है, ठीक है। तो ये क्या आपका एक्सप्रेशन है किसके लिए, रेट लॉ के लिए, ठीक है ना। तो ये लॉ किसने दिया था, गुलबर्ग एंड वागे ने। अब देखो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे रेट कांस्टेंट क्या हो सकता है, तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया था उसमें कितना आया था, के, और यहाँ पे क्या था, रिएक्टेंट्स, हमारे पास एक से आधे कुछ भी हो सकते हैं, तो हमने क्या माना कि यहाँ पे एक ही है, ठीक है। अब अगर हम कह रहे हैं इसको डिफाइन कैसे करेंगे, अगर हमारे पास एक से भी ज्यादा होते, एक से भी क्या होते, ज्यादा होते, तो उस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, तो उस कंडीशन हम कह सकते हैं कि जो हमारा रेट है वो के इक्वल कब होगा, जब ए की जो कंसेंट्रेशन है वो क्या हो जाए, बी के इक्वल, और कोएफिशिएंट्स क्या हो जाए हमारे पास, ए और बी क्या हो जाए यहाँ पे वन हो जाए, और ये क्या हो जाए, वन मोलर, ये क्या हो जाए, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाए किसी भी रिएक्टेंट्स की, वन मोलर। तो उसका मतलब क्या है, इट इज द मोलर कंसंट्रेशन, इट इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ यूनिटी रिएक्टेंट, उस टाइम जो रेट होता है उसका कहते हैं उसको रेट कांस्टेंट, या कहते हैं उसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ठीक है। दूसरा जो है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं इसकी यूनिट के बारे में, तो रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट क्या होती है, तो यदि हम बात करेंगे यूनिट की तो क्या हो जाएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला कितना था, आर इक्वल टू के, तो हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, कोई भी रिएक्टेंट है, और यहाँ पे क्या है, कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है, लेट एक्स है, एक दो तीन, वन अपॉइंट थ्री, वन अपॉइंट फाइव, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो के आएगा
वो कितना आएगा आर, और नीचे क्या आएगा रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन, और यहां पे क्या है कोएफिशिएंट एक्स, कोएफिशिएंट एक्स। अब देखो आर क्या है आपके पास, आर को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, तो हमने पहले पढ़ा था कि मोल्स पर लीटर और पर सेकंड, ये फिक्स वैल्यू रहेगी। इसके बाद देखो नीचे क्या आएगा मोल पर लीटर, मोल ये भी फिक्स है क्योंकि ये क्या डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन को। अब देखो यहां पे जो एक्स है वो वेरिएबल हो सकता है, अगर हमारे पास एक्स यहां पे क्या हो जाए वन हो जाए, क्या हो जाए वन हो जाए, तो मोल्स मोल्स कैंसिल लीटर कैंसिल, तो क्या हो जाएगा पर सेकंड। अगर हमारे पास एक्स क्या हो जाए वन अपॉइंट टू, एक्स क्या हो जाए वन अपॉइंट फोर, तो रेट कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू है वो क्या आएगी डिफरेंट आएगी, वो क्या आएगी डिफरेंट आएगी। तो जो जनरल वे में कह सकते हैं कि क्या आ सकता है कि मोल्स पर लीटर पर सेकेंड अपॉन्स मोल्स पर लीटर और रेस टू द पावर एक्स। एक्स क्या है यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स, ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या आती है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, देखो जो गुलवर का लॉ था उसके बिहाव पे ऑर्डर को निकालना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास कोई रिएक्टेंट आर है और इसका जो कोएफिशिएंट है वो कितना है एक्स है, और यहाँ पे क्या बनना है प्रोडक्ट बनना है, तो रेट लॉ क्या कहता है, रेट एक्सप्रेशन कैसे आएगा इसका, आर इक्वल टू के रिएक्टेंट और रेस टू द पावर एक्स। ठीक है ना, अब रेट ऑर्डर अगर इससे हमें ऑर्डर निकालना, तो ऑर्डर क्या होता है सम ऑफ द पावर्स, और ये कह सकते हैं कि सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द पावर्स, तो जितने हमारे एक्सपोनेंट्स जितने हमारे पास पावर है स्ट्रक्चरमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के फॉर्म में, इन द सबसे खास बात क्या है इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो क्या कह सकते हैं सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स ये कह सकते हैं कि पावर और इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो जब हम रेट लॉ निकालते हैं तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकालते हैं, ऐसा नहीं कि थ्योरेटिकल की वैल्यू है, जब रेट लॉ निकालते हैं तो एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू है तब हम देखते हैं कि हमारे पास कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे दो लिखा हुआ है, कभी कभी वहां पे क्या होता है कि वो जीरो हो सकता है, ये कभी क्या होता है वन अपॉइंट टू या वन अपॉइंट थ्री। तो इसका मतलब क्या है रेट लॉ में लिखने के बाद जो पावर्स आती हैं उनका जो सम है वो कहा जाएगा ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा, अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे एक्स है, अगर हम क्या यहाँ सॉरी हम वाई और मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या मानो पी है, या मान लो यहाँ पे क्या है वाई है, और इसकी पावर क्या यहाँ पे स्मॉल वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्मॉल y, तो हमें क्या करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो x प्लस y, x और y को सिंपली ऐड कर देंगे तो उससे क्या आएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब अगर मानो यहाँ पे y नहीं होता तो y को क्या मान लेंगे जीरो, तो क्या आ जाएगा x प्लस जीरो मीन्स x के इक्वल, तो ये क्या आएगा आपके पास ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो अब इसको जो हम कुछ एग्जाम्पल्स के बिहार पर देखते हैं, तो देखिए कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं हमने, यहाँ पे दिया हुआ है कि 2H2O2 परऑक्साइड का डिकम्पोज हो जाता है वाटर प्लस O2 में, पर जब हमने इसका रेट एक्सप्रेशन निकाला तो हमने क्या देखा यहाँ पे क्या थे कोएफिशिएंट कितना था दो था, पर जब उसका एक्सपेरिमेंट वैल्यू हमने देखी तो रेट एक्सप्रेशन क्या आता है K H2O2 और जिसका कोएफिशिएंट वो कितना आता है वन, तो जिसका ऑर्डर है ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, तो वो भी क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या एक्स कितना हो गया वन, तो कितना हो गया वन। तो ये क्या हो गया आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब सही एग्जांपल दे रखा है कि 2NO प्लस O2 कंबाइन करते क्या बनाते हैं 2NO2, तो रेट क्या आता है KNO2 का स्क्वायर O2, तो जो इसका ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा तो 2 और 1, तो 2 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा ये 3, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दे रखा है कि ऑर्डर जब निकालेंगे तो जो अमोनिया का डिकम्पोजन है वो क्या है कि वो डिपेंड नहीं करता, तो उसका मतलब क्या है जो रेट कांस्टेंट है वो क्या आ रहा है कि NH3 की पावर जीरो, अगर आपके पास कंसंट्रेशन आपके पास ज्यादा है या कम है तो जो उसका रेट एक्सप्रेशन है वो क्या आता है सेम आता है, जो उसका ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा फिर जीरो, तो उसका मतलब क्या है कि ऑर्डर आपका जीरो भी हो सकता है, ऑर्डर आपका वन टू थ्री भी हो सकता है, और कुछ एग्जाम्पल्स यदि हम और करते हैं तो ऑर्डर मे बी फ्रैक्शन, ऑर्डर आपके फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, आपका हाफ भी हो सकता है थ्री बाई टू भी और कुछ और भी हो सकता है। तो ऑर्डर क्या है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू करने के बाद रेट लॉ एक्सप्रेस करते हैं उसमें पावर्स का सम जो होता है उसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन।
और देखिए हमारे पास एनसीईआरटी का जनरल एग्जांपल दे रखे हैं कि रेट एक्सप्रेशन दे रखा है कि ए प्लस बी से सी बनता है, तो रेट एक्सप्रेशन में क्या आता है, के ए की पावर हाफ मीन्स हाफ ही लगता है और बी की पावर क्या है 3/2, जो उसका ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स, तो हाफ प्लस 3/2, हाफ प्लस 3/2, हाफ प्लस 3/2, तो क्या आ जाएगा ये 4/2 मीन्स क्या आ जाएगा 2, ऑर्डर क्या आ गया इसका 2 आ गया, ठीक है ना। अब दूसरे वाले क्वेश्चन हमारे पास ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो ऑर्डर क्या हो सकता है हमारे पास 3/2 प्लस माइनस के हाफ, 3/2 प्लस माइनस के हाफ, तो जो इसका ऑर्डर है वो क्या आ सकता है हमारे पास हाफ, क्या आ जाएगा हाफ। ऑर्डर क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको फ्रैक्शंस में, ऑर्डर यहाँ पे क्या आ रहा है फ्रैक्शंस में आता है, ठीक है ना। तो ये क्या दिखा रहा है कि ऑर्डर मे बी जीरो, ऑर्डर मे बी आपके नंबर्स होते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंड ऑर्डर मे बी आल्सो इन फ्रैक्शंस, ऑर्डर मे बी आल्सो इन फ्रैक्शंस। तो अब देखिए अगर हमारे पास ये तो हमने कहा था कि सिंगल स्टेप में जो होती है, अगर हमारे पास ऑर्डर निकालना है किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है जो एक से ज्यादा स्टेप्स में होती है, अब मानो किसी का जो एक स्टेप है वो आपका फास्ट होता है, एक हमारे पास क्या होता है स्लो होता है, ठीक है ना, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स ये कह सकते हैं कि मोर देन वन स्टेप में रिएक्शन होती है उनको हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसा आपका जो एक एग्जांपल है वो आप सेकंड बुक में जाके पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, SN1 SN2 रिएक्शन, तो वहां पे क्या होता है अगर हमारे पास कोई भी एल्काइल हैलाइड्स है, कोई भी क्या है RX है, अगर वो क्या है टर्सरी है, वो क्या है टर्सरी है, तो R3X, और यदि हम कराते हैं किसी भी न्यूक्लियोफाइलेशन कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है R3NU न्यूक्लियोफाइल बनेगा और हैलाइड क्या है बाहर निकल जाता है, जैसे हम कह रहे हैं कि मानो CH3 का होल थ्राइस और यहाँ पे क्या है सी और ये क्या है BR, तो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल हमारे पास क्या है OH है, तो यहाँ पे क्या बनता है CH3 का होल थ्राइस सी और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH और BR क्या होता है बाहर, तो ये क्या आपकी एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मीन्स यहाँ पे क्या है न्यूक्लियोफाइल जो है किसी भी रिएक्टिंग स्पीसीज में से एक पार्ट को रिप्लेस कर देता है, इसलिए कहते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन। तो जो हमारे पास दो रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है ये दो स्टेप्स में होती है, पहले स्टेप्स में क्या होता है कि यहां से कार्बो कैटायंस बनते हैं, तो पहले स्टेप में क्या बन सकता है हमारे पास CH3 का होल थ्राइस सी और ये क्या है BR, तो पहला स्टेप क्या होता है हमारे पास CH3 का होल थ्राइस सी और डेट डॉट यहाँ पे क्या है BR है, तो ये क्या है अलग हो जाते हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और ये क्या है स्लो स्टेप होता है, ये क्या है स्लो स्टेप होता है, और सेकंड स्टेप में क्या होता है यहाँ पे इस कार्बन कैटायन पे क्या है अटैक हो जाता है किसका, किसी भी न्यूक्लियोफाइल का, और ये क्या होता है फास्ट होता है, तो क्या बन जाएगा CH3 का होल थ्राइस सी और न्यूक्लियोफाइल। तो देखो जब भी आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करेंगे तो हम वहां पर रोड़ते हैं द स्लोएस्ट स्टेप, उसको हम बोलते हैं RDS, RDS का मतलब क्या होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स मीन्स वो स्टेप्स किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जिसमें क्या है हम उसको स्लो स्टेप्स में कर रहे हैं, तो स्लो स्टेप्स में जितने भी मॉलिक्यूल या जितने भी हमारे पास रिएक्टिंग स्पीसीज के पार्टिसिपेट करते हैं उनको यदि हम एक्सप्रेस करेंगे तो जब उसका रेट लॉ निकालेंगे तो रेट क्या हो जाएगा इसका के और यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा CH3 का होल थ्राइस सी और यहाँ पे क्या आ जाएगा BR इसकी कंसेंट्रेशन, इसका मतलब क्या है कि इस वाले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है, तो इसका मतलब जो इसका रेट लॉ है वो क्या आ जाएगा सी, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा इसका 1, जबकि न्यूक्लियोफाइल भी है मेन रिएक्शन के अंदर, तो ऐसी रिएक्शंस को हम एलिमेंट रिएक्शंस में तोड़ते हैं, स्टेप्स में तोड़ते हैं, उसके बाद हम निकालते हैं उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स, ये थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं है प्रैक्टिकल वैल्यू होती है, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो आपका स्लो स्टेप्स है उस स्टेप्स में कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं, कितने कोफिशियंट्स हमारे काम आते हैं, तब उससे हम क्या निकालते हैं रेट एक्सप्रेशन, और जो उसमें पावर्स आती है एक्सपोनेंट्स आते हैं उसको सम करने के बाद हमारे क्या आएगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, इस वीडियो में हमने पढ़ा इंडक्शन पढ़ा, ठीक है, और हम पढ़ रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है,
ऑर्डर ऑफ द सम जो होता है वो सिंगल स्टेप्स का भी निकाला और किसका निकाला, कॉम्प्लेक्स का भी निकाला, और हमने क्या करें कुछ एग्जांपल्स करें। इसके बाद जो हम क्या पढ़ेंगे, ऑर्डर जो है आपकी कई तरह का होता है, फर्स्ट सेकंड और जीरो। तो मेनली हमें क्या पढ़ने हैं, जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर पढ़ने हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक एंड शेयर करें और घर पे रहें और बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। तो घर पे हैप्पी रहने का